हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी, मींस वर्क डन बाय सेल। अभी मैं बताऊंगा आपको कि सेल कैसे वर्क करता है। बहुतों को समझ में नहीं आता है कि सेल आखिर वर्क करता क्या है, मींस सेल के जो वोल्टेज है उसका क्या मीनिंग है, सेल किसी सर्किट में करंट के फ्लो का क्या मीनिंग होता है, मींस सेल कैसे वर्क करता है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो गौर से देखो, देखो जी ये बैटरी है, इस बैटरी को सर्किट से कनेक्ट कर दिए हम लोग, इसमें एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे एक स्विच है, राइट। अब जैसे ही मैं ये बैटरी का पॉजिटिव प्लेट है नेगेटिव प्लेट है, जैसे ही मैंने की को ओपन किया, की को क्लोज किया, क्लोज्ड, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा सर्किट में। आपको पता है कि करंट कैसे फ्लो होता है, बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से करंट निकलता है, निगेटिव प्लेट में इंटर होता है। अब इस करंट का मीनिंग समझो, मीन्स किस तरह से करंट, आपको पता है करंट इज नथिंग, इट इज जस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मोशन करता है, ये आप सबको पता होना भी चाहिए, पता होगा भी, क्योंकि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई है, तो इस ई इलेक्ट्रिक फील्ड में, ई इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, मीन्स पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ये सब आपको पता है, पता होना भी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड वो डायरेक्शन होता है जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप हो, तो यह होगा हाई पोटेंशियल और ये होगा लो पोटेंशियल, राइट। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज रखोगे तो उस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, कोई चार्ज अगर रखते हो क्यू चार्ज, इसमें फोर्स कितना लगेगा जी, क्यू इंटू ई। इफ चार्ज इज पॉजिटिव देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फील्ड का डायरेक्शन लगेगा। बट अगर निगेटिव चार्ज रखोगे तो अपोजिट लगेगा, मीन्स अगर आपने इलेक्ट्रॉन को रख दिया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, माइनस ई, ई मीन्स जो डायरेक्शन तुम्हारे फील्ड का है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन मोशन करेगा, इलेक्ट्रॉन। मीन्स जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को रखोगे तो उस पर ऑटोमेटिकली एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, और उस फोर्स की वजह से आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन के मोशन का डायरेक्शन क्या हो गया, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, राइट। तो यहां होता है इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद लो से हाई आता है, नेगेटिव है, मान लो यहाँ पे जीरो पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो कर सकता है, मीन्स मोशन कर सकता है लो टू हाई, राइट। फिर बल्ब में इलेक्ट्रॉन पास किया, यहां तक आ गया, क्योंकि ये निगेटिव और ये जीरो तो वो हाई है, लेकिन अब यहाँ से जीरो ये पॉजिटिव तो तुम्हारा क्या येल्लो हो गया, हाई हो गया, तब भी इलेक्ट्रॉन आराम से मोशन कर सकता है। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल आ गया, बट अब यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ खुद ब खुद नहीं जाएगा, बैटरी का यहीं पर काम शुरू होता है। इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल स्पॉन्टेनियसली जाता है, स्पॉन्टेनिटी के अकॉर्डिंग जाता है, मीन्स स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि वो खुद ब खुद उसके ऊपर फोर्स लगता है जिसकी वजह से मूव करता है। बट इलेक्ट्रॉन कांट मूव विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई से लो खुद ब खुद नहीं जाने वाला है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आकर रुक जाएगा, अब यहीं पर काम शुरू होगा इस सेल का, ई सेल से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ई सेल EMF ऑफ द सेल, सेल के EMF हुआ जो पोटेंशियल डिफरेंस सेल आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर ई सेल यह है
तो यहां पे काम शुरू हो सकता है। मीन्स इस सेल वन इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां लाकर फेंकेगा तो जितना ऑर्डर करना पड़ेगा। आप सुनो यहां पे, यही मैं एक्सप्लेन करूंगा ई सेल होता क्या है। ऐसे ईएमएफ ई से आपका ईएमएफ ऑफ द सेल को शॉर्ट फुल फॉर्म में हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको बोलते हैं ईएमएफ। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगता है फोर्स है, हालांकि फोर्स इसका नेम है बट एक्चुअल में एनर्जी है। यह ईएमएफ का डेफिनेशन होता है इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट। मीन्स यूनिट चार्ज को एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे ट्रांसफर करने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल के ईएमएफ का डेफिनेशन क्या हुआ जी, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट ऑफ द सेल टू निगेटिव प्लेट ऑफ द सेल। सेल के पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट तक ले जाने में यूनिट चार्ज को ले जाने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा दैट एनर्जी इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ई सेल है यहाँ पे, इसका मीनिंग हुआ यूनिट चार्ज को पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट तक ट्रांसफर करने में कितना एनर्जी लगेगा, कितना ऑर्डर करना पड़ेगा जी ई सेल। इसका मीनिंग हुआ कि यूनिट चार्ज को यहां से यहां ले जाने में ई सेल लगेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ले जाने में कितना समय लगेगा, तो ई इंटू ई सेल, क्योंकि जितना ये चार्ज ले जाओगे उतना चार्ज से क्या होगा मल्टीप्लाई होता जाएगा ईएमएफ में। ऐसे भी आप सभी पढ़े हो कि अगर वी पोटेंशियल डिफरेंस में वी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस अगर आप क्यू चार्ज को ले जा रहे हो तो इस दरमियान वॉकडाउन कितना करना पड़ता है जी, क्यू इंटू वी। इफ यू ट्रांसफर क्यू चार्ज अक्रॉस वी पोटेंशियल डिफरेंस देन यू हैव टू पेड क्यू इंटू वी वॉकडाउन फॉर दिस जॉब। इस काम को करने के लिए इतना वॉकडाउन करना पड़ेगा, मीन्स इतना एनर्जी आपको लगाना पड़ेगा। तो उसी चीज यहां पर लिखने में जा रहा हूं, आप गौर से देखो। ई सेल आपका एक तरह से हुआ वर्क डन बाय सेल टू ट्रांसफर यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट। इसलिए हो गया। तो अगर मैं W1 से रिप्रेजेंट करूं वर्क डन बाय सेल टू ट्रांसफर वन इलेक्ट्रॉन तो कितना होगा, W1 वर्क डन बाय सेल टू ट्रांसफर वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट इज मीन्स पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट तक वन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में जो वर्क डन का रिक्वायरमेंट है उसको मैं W1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो W1 विल बी व्हाट, W1 इज इक्वल टू माइनस ए इंटू ई सेल। जो चार्ज रहता है उस चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे चार्ज निगेटिव होगा तो निगेटिव के साथ लिखेंगे, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव के साथ लिखेंगे। हालांकि पॉजिटिव के लिए तो कुछ लिखते नहीं है, निगेटिव होगा तो निगेटिव लिखेंगे। अगर मैं W2 से रिप्रेजेंट करूं टू इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, या एन इलेक्ट्रॉन W2 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं वन मोल वर्क डन बाय सेल टू ट्रांसफर वन मोल इलेक्ट्रॉन राइट। तो W2 किसके इक्वल होगा, माइनस वन मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है जी 1 फैराडे, तो माइनस एफ
ई सेल, अगर मैं W से रिप्रेजेंट करूं, W से अगर रिप्रेजेंट करूं कि वर्क डन बाय सेल टू ट्रांसफर, ट्रांसफर एन मोल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, तो W क्या होगा जी, माइनस एन एफ ई सेल। ये हमारा इक्वेशन वन हुआ, मींस एन मोल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा कितना होगा, एन एफ ई सेल। अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन पर निकालते हो तो क्या हो जाएगा, एट अगर स्टैंडर्ड कंडीशन करोगे तो ई की जगह पी नॉट सेल हो जाएगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल। जब हम लोग सेल रिएक्शन को मानेंगे कि रिवर्सिबल हो, सेल रिएक्शन जब रिवर्सिबल होगा तो उस केस में वर्क डन मैक्सिमम होता है। और एक और मतलब फिजिकल क्वांटिटी है जिससे हम लोग वर्क से रिलेट करते हैं, उसका नाम है आपका गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। और डेल्टा जी वा चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ सेल, वर्किंग ऑफ सेल मीन्स सेल के वर्क करने के ड्यूरिंग जो सेल का गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है उसको मैं डेल्टा जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी किसी भी सिस्टम के पास उस एनर्जी का मेजरमेंट होता है जिस एनर्जी से वो यूजफुल वर्क डन कर सकता है, आई मीन टू से दैट नॉन एक्सपेंशन वर्क डन कर सकता है। तो वर्क डन बाई सेल और बैटरी इज नॉन एक्सपेंशन वर्क डन, मीन्स बैटरी आपका वर्क करता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराते रहता है, मीन्स सर्कुलेट कराता है, इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन से आपके बल्ब जलता रहता है, मीन्स बल्ब इज लिट, बल्ब जल गया तो बल्ब को जलाता है या बैटरी इलेक्ट्रॉन को सर्कुलेट करा करके। तो जो सेल वर्क करता है, जो बैटरी वर्क करता है वो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है, और यह वर्क डन नॉन एक्सपेंशन वर्क डन है, मीन्स यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन नहीं है, यहाँ वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये जो वर्क डन है, इस वर्क डन का मेजरमेंट कौन करता है, गिब्स फ्री एनर्जी। किसी भी सिस्टम का चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, किसी सिस्टम का चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी उसके उस वर्कडन को मेजर करता है जो वर्कडन नॉन एक्सपेंशन होता है, जो वर्कडन आपको यूजफुल होता है, मींस सेल रिएक्शन ड्यूरिंग, मींस ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ सेल जो केमिकल चेंजेज होता है उस केमिकल चेंजेज से हमारा सेल जो वर्कडन करता है उस वर्कडन को, उस वर्कडन को हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेट करते हैं। मींस वर्कडन बाय सेल इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन एक्सपेंशन वर्कडन, सो वर्क डन बाय सेल विल बी इक्वल टू चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ सेल ड्यूरिंग सेल रिएक्शन। अगर मैं डेल्टा जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ सेल सेल, तो वी नो दैट हम लोगों को पहले से पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू व्हाट, माइनस नॉन एक्सपेंशन वर्क डन, नॉन एक्सपेंशन वर्क डन मींस किसी प्रोसेस के ड्यूरिंग कोई सिस्टम जो नॉन एक्सपेंशन वर्क डन करता है वो नॉन एक्सपेंशन वर्क डन उस सिस्टम के चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी के इक्वल होता है। मींस किसी सिस्टम का गिब्स फ्री एनर्जी उस एनर्जी का मेजरमेंट होता है जिस एनर्जी से सिस्टम यूजफुल वर्क डन कर सकता है, मींस वर्क डन कर सकता है। तो सेल जो वर्क डन करता है नॉन एक्सपेंशन वर्क डन होता है, इसलिए वह सेल के डेल्टा जी के इक्वल होगा। फिर हम लिखेंगे वर्क डन बाय सेल
इज नॉन एक्सपेंशन। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। हमारे पास रिलेशन आ गया एट ए स्टैंडर्ड कंडीशन। यहाँ पे ऑल सिंबल्स हैव विजुअल मीनिंग। दिस इज गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ सेल रिएक्शन, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन सेल रिएक्शन, एफ फैराडे ई सेल, ई एम एफ ऑफ द सेल एट ए स्टैंडर्ड कंडीशन। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। इस तरीका से हम लोगों ने किसी सेल के वर्क करने के, सेल का जो वर्किंग होता है, सेल जो वर्क करता है, उस वर्क को सेल के डेल्टा जी से रिलेट किया। अब क्लियर हो गया किसी भी सेल में सेल रिएक्शन का डेल्टा जी इक्वल होगा माइनस एन एफ ई सेल, वेयर ई सेल इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन सेल रिएक्शन एंड एफ इज फैराडे। नाउ गिव्स एनर्जी ऑफ ए सेल रिएक्शन, कि सेल रिएक्शन का और किसी भी रिएक्शन का गिव्स एनर्जी। ये जो इक्वेशन देख रहे हो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, या किसी भी केमिकल रिएक्शन के डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट के बीच का रिलेशन है। मीन्स किसी केमिकल रिएक्शन का डेल्टा जी और उसी केमिकल रिएक्शन डेल्टा जी नॉट में क्या रिलेशन होता है वो इस इक्वेशन से पता चलता है। इस इक्वेशन का डेरिवेशन हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग के लेवल से बियॉन्ड है यह। हाँ, ये सब चीज़ें थर्मोडायनेमिक्स में जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया जाता है इसका डेरिवेशन। हालांकि इसका भी डेरिवेशन थ्योरी से डायरेक्ट होता है, बट आपको डेरिवेशन नहीं पढ़ना, आपको स्टार्ट यहीं से करना है। यहाँ पे कौन क्या है समझो, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ सेल रिएक्शन, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ सेल रिएक्शन, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ सेल रिएक्शन, आर गैस कॉन्स्टेंट, टी टेम्परेचर केल्विन, एक कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एक कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। अब एट इक्विलिब्रियम आपको पता है इक्विलिब्रियम के टाइम पे क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम किसी भी केमिकल रिएक्शन प्रोसेस का डेल्टा जी अगर जीरो है मींस इक्विलिब्रियम में आ गया सिस्टम, या इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी जीरो होता है, यह तो आप सबको पता होना चाहिए और पता होगा भी। थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़े होंगे और अभी भी आपको ये बात आगे पढ़ना है कंटिन्यू, कि अगर कोई प्रोसेस का डेल्टा ही जीरो है मीन्स प्रोसेस क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो, माइंड इट, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी ऑफ प्रोसेस विल बी जीरो, नॉट डेल्टा जी नॉट विल बी जीरो। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी इक्विलिब्रियम पे जीरो नहीं होगा, जीरो कौन होगा, गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जीरो हो जाएगा। एंड कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा जी, किसी के, तो पुट कर दो, जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के सी। तो आप लिख सकते हो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस आर टी एल एन के सी, मीन्स डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट और उस केमिकल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब एक और डेरिवेशन मैं करने जा रहा हूं इक्वेशन वन से, वो डेरिवेशन होगा नर्स इक्वेशन का। मीन्स नर्स इक्वेशन को हम लोग इसी इक्वेशन से डिराइव कर सकते हैं। तो
अब मैं टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ, डेरिवेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। डेरिवेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन सब कुछ वही रह जाएगा, डेरिवेशन डेरिवेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, वी नो दैट, इसे लिखेंगे हम लोग। अब अगला स्टेप हम लोग करेंगे क्या कि डेल्टा जी का वैल्यू जो हम लोग इस सेल के टर्म्स में निकाले हैं उसको पुट कर देंगे। डेल्टा जी की जगह पे माइनस एन एफ ई सेल, डेल्टा जी नॉट की जगह पे माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब माइनस एन एफ सब में डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, और ये दोनों माइनस है तो माइनस खत्म हो गया, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट। दिस इज नर्स्ट इक्वेशन आ गया, यही नर्स्ट इक्वेशन है। इन दिस वे वी डिराइव नर्स इक्वेशन। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड चीज है। अब हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे बहुत पॉपुलर न्यूमेरिकल आता है, बहुत सरमी से बड़ा रेंज खुल जाएगा न्यूमेरिकल्स करने का, और जो इंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द सेल, सेल रिप्रेजेंटेशन इज गिवेन ZN, ZnSO4, कॉपर सल्फेट कॉपर। When the concentration of Zn 2 plus is 10 times the concentration of copper 2 plus, the expression for delta G in joule per mole is, inert cell दिया हुआ 1.1। क्वेश्चन में यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट आर दिया होता है, फैराडे भी गिवन है, जो आपको पता है। मीन्स डेल्टा जी का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस 2.33 आर टी लॉग ZN कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। इस रिएक्शन में इतना क्वेश्चन करने के बाद आप खुद भी एक्सपर्ट हो गए हो पता करने में कि कौन रिएक्टेंट है कौन प्रोडक्ट है, जो लेफ्ट में है वो राइट में होगा, जो राइट में है वो लेफ्ट में होगा। मीन्स जो राइट में है वो आपका रिएक्टेंट होगा, जो लेफ्ट में है वो प्रोडक्ट होगा। तो क्लियर है, ZN2 प्लस प्रोडक्ट होगा, कॉपर 2 प्लस रिएक्टेंट हुआ, ZN2 प्लस का कंसंट्रेशन कॉपर 2 प्लस का 10 टाइम्स है तो कट कर 10 हो गया, तो लॉग 10 का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो डेल्टा जी इक्वल टू 2.33 आर टी माइनस 2F। यहाँ पे इसका डेल्टा जी नॉट का वैल्यू में रख दिया माइनस एन एफ ई नॉट, तो एन के जगह पे 2 रखा, एफ के जगह पे आपका एफ है, और ई नॉट सेल के जगह पे तुम्हारा क्या हो गया 1.1। प्लस स्टूडेंट्स एक और न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो गिब्स फ्री एनर्जी पे है और साथ में ईएमएफ ऑफ द सेल। क्वेश्चन इज सेइंग द गिब्स एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एल टू ओ थ्री एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड इज एज फॉलोज। ये और रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, 2/3 एल टू ओ थ्री डिकम्पोज होकर एल्यूमिनियम और O2 में कन्वर्ट हो रहा है। इसका डेल्टा जी गिवन हुआ है, यहाँ पे डेल्टा आर जी, आर फॉर रिएक्शन, तो इससे अदरवाइज नहीं लेना, इसको ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ डेल्टा जी आर, इसका मीनिंग हुआ चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन। डेल्टा के साथ आर लिखो या जी के बाद आर लिखो, बोथ आर सेम। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड फॉर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल टू ओ थ्री एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड इज एटलीस्ट, मीन्स कितना पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए कि यह रिडक्शन हो। तो आपको पता है कोई भी रिडक्शन प्रोसेस होने के लिए उसका जो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस का रिक्वायरमेंट है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। तो इस इलेक्ट्रोड को मीन्स इस डिकम्पोजिशन को अकर्ड होने के लिए जो मिनिमम पोटेंशियल उसको मैं ई मान रहा हूँ, लेट ई इज द पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड। तो वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं जी,
जानते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, राइट, यही निकालना है। डेल्टा जी गिवन है कितना है, डेल्टा जी यहाँ पे है 966 किलो जूल, मीन्स 10^3 जूल। नंबर ये नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो कितना मोल इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्व है। एल्युमिनियम यहाँ पे एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3, तो कितना एल्युमिनियम है 2/3, मीन्स 2/3 × 2 कितना हो गया जी 4/3, आपका 4/3 एल्युमिनियम +3 से एल्युमिनियम में जा रहा है, तो 1 एल्युमिनियम के पास चार्ज कितना है, 1 एल्युमिनियम के पास 3+3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 4/3 एल्युमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड इन एवव रिएक्शन कितना होगा जी 3 × 4/3, 3 से कट गया 4 आ गया, मींस 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। यही बेसिकली कैलकुलेट भी करना था। अब आप ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करो इसको, n के जगह पे 4 रखो, f के जगह पे 96500 कूलम रखो और ही आपको निकालना है। आप डिवाइड करोगे तो निकल जाएगा e इज इक्वल टू 966 × 10^3 बाई 96500 × 4, और ये निगेटिव होता है तो मैग्नीट्यूड आपको निकालना है पोटेंशियल, तो इतना वैल्यू और इससे 4 से डिवाइड जो आएगा वो आपका वैल्यू, इसको डिवाइड करोगे तो 2.5 वोल्ट का लगभग आएगा। तो इस तरह से आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। तो आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जिसमें गिब्स फ्री एनर्जी दिया हुआ है, आपसे पोटेंशियल पूछता हो या पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है और गिब्स फ्री एनर्जी पूछता हो, तो आराम से इस फॉर्मूला को यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। या जेई मेन का क्वेश्चन था, या जेई नीट और नीट का भी क्वेश्चन था, या पीएमटी में भी क्वेश्चन आया था जो पहले नीट का आपका फॉर्मर वर्सन था। तो ये बहुत पॉपुलर टाइप ऑफ रिएक्शन है। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एंड आपके ईमेल फॉर द सेल पे, द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द गिवन सेल रिएक्शन इन किलोजूल पर मोल एट 298 केल्विन इज, मींस आपको डेल्टा जी नॉट निकालना है रिएक्शन का, सेल रिएक्शन का एट 298 केल्विन। सेल रिएक्शन दिया हुआ है और इसका ई नॉट सेल गिवन है, तो वी नो दैट डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एन यहां पे कितना है क्लियरली दिख रहा है 2 है, एफ है 96500 एंड ई नॉट सेल आपका 2 वोल्ट है। इस सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा -384 इतना जूल, लेकिन आपको किलो जूल में आंसर लाना, देख रहे हो ना किलो जूल पर मोल, तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट करो, -384 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हुआ जी, ए। तो इस तरह के इजियर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, दीज आर द एंट्रेंस क्वेश्चंस। तो आप इस बात को समझो, अगर आपको फॉर्मूला पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मुश्किल नहीं होगा। मुश्किल कब होगा, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा। मुश्किल कब होगा, जब आपको फॉर्मूला ही याद नहीं रहेगा। इसलिए देख रहे हो ना कितना आसान क्वेश्चन आता है, तो टेंशन नहीं लो, प्रॉपर पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, फॉर्मूला याद रखो, ऑल क्वेश्चन यू कैन सॉल्व।